चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या करते हैं, रिएक्ट जेएस की वीडियो सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिएक्ट। वी कैन से रिएक्ट इज अ ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग user interface in a web applications। देखिए, अगर हम React JS की बात अगर हम करते हैं तो React JS एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका मेजर गोल है यूजर इंटरफेस बनाना वेब एप्लीकेशंस के अंदर। मतलब UI पार्ट के लिए हम React JS का मैक्सिमम यूज करते हैं। देखिए, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, जस्ट इट इज अ लाइब्रेरी डिजाइन बाई फेसबुक। देखिए, अगर हम करेंगे तो ये फ्रेमवर्क नहीं है, जस्ट एक लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने डिजाइन की है, राइट, क्लियर। और इसका मेन गोल है टू डेवलप द यू आई पार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन, इज इट क्लियर। सो गाइज, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछेगा Why learn React JS? या Why use React JS? मतलब React JS क्यों सीखना चाहिए या React JS के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला बेनिफिट अगर हम मानते हैं तो ये है easy learning curve, right? ये है सबसे पहला है इजी लर्निंग कर्व। इसका मतलब क्या है? इजी लर्निंग कर्व का मतलब होता है, अगर आप रिएक्ट जेएस की बात अगर हम करते हैं, राइट, जैसे मान लीजिए रिएक्ट जेएस जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क आपका बना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई डेवलपर है, जैसे कंसिडर दिस इज ये डेवलपर, और मान लीजिए ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में काम करता है, मान लीजिए ऑलरेडी ये जो डेवलपर है इट इज अ जेएस डेवलपर, ये मान लो ये ऑलरेडी कहाँ काम कर रहा है, ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा है, इज इट क्लियर। इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये जेएस डेवलपर है, राइट। अगर हमने इसे कहा कि आपको रिएक्ट सीखना है तो इसके लिए बहुत आसान है, क्यों? देखिए, इसके रीजन ये है, मान लो रिएक्ट जेएस जो भी है, देखिए रिएक्ट जेएस जो है ये क्या क्या करता है, ये पूरे के पूरे सिंटैक्स जेएस की यूज करता है, राइट। और जेएस के अंदर जो इकमास्क्रिप्ट 6 के जो वर्जन है, जो चेंजेस हैं, ये सारे के सारे सिंटैक्स रिएक्ट यूज करता है। मतलब कोई भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर अगर रिएक्ट को सीखना चाहता है तो बहुत आसानी से सीख सकता है, क्योंकि जेएस के अंदर के कॉन्सेप्ट और रिएक्ट के अंदर के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 70% सिंटैक्स वही है, कोई भी चेंज नहीं है, क्लियर। मतलब इसीलिए हमने ये कहा इजी लर्निंग कर्व। इसका मीनिंग ये हो गया, आप ये कह सकते हैं लर्निंग रिएक्ट जेएस एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर लर्निंग रिएक्ट जेएस एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर इज अ स्मूथ एंड इजी प्रोसेस, because React.js use all syntax of a plain JavaScript as well as use all syntax of ECMAScript 6. इसीलिए अगर कोई JavaScript developer भी है और अगर React सीखना चाहता है तो easily सीख सकता है, clear। दूसरा reason क्या है? Lightweight virtual DOM, ये भी एक है। दूसरा रीजन है लाइट वेट वर्चुअल डॉम, एक रीजन माना जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, लाइट वेट वर्चुअल डॉम का मतलब क्या है गाइज, रिएक्ट जेएस जो भी है वर्चुअल डॉम यूज करता है मेमोरी के अंदर। जैसे मान लीजिए ये आपका वेब पेज है, इस वेब पेज के ऊपर ऐसे तीन है कॉन्टेंट, जैसे मुझे हेडर है, मान लो कंसिडर गाइज दिस इज माई हेडर,
यहां पे मान लीजिए ऐसे मेनूज है हो कंसीडर अबाउट, उसके बाद कॉन्टैक्ट। कंसीडर गाइज वी हैव हियर फुटर, यहां अगर आप आते हैं तो यहां पे फुटर एक है, फुटर की बात अगर आप करते हैं तो यहां पे फुटर है। कंसीडर गाइज ये आपका फुटर है, ठीक है। और कंसिडर यहां अगर आप आते हैं गाइस तो देखिए इट इज योर कंटेंट एरिया, ये आपका कंटेंट एरिया है, कैनवास भी आप बोल सकते हैं, यहां हम कंटेंट लिख रहे हैं। तो यहां पे ऐसे हैं, और कंसिडर यहां दो डॉम है, एक एक्चुअल ब्राउजर वाला डॉम होता है और एक होता है वर्चुअल डॉम जो रिएक्ट काम करता है। सो रिएक्ट जब भी काम करेगा तो वर्चुअल डॉम के ऊपर काम करता है। देखिए मान लीजिए रिएक्ट है, रिएक्ट कभी ब्राउजर का डॉम यूज नहीं करता, रिएक्ट वर्चुअल डॉम यूज करेगा, मतलब वर्चुअल डॉम के अंदर ये सारे कंटेंट है जो आपके एक्चुअल डॉम के अंदर है, जो ब्राउजर के डॉम के अंदर ये सारे के सारे कंटेंट वर्चुअल डॉम में आते हैं। कंसिडर ये वर्चुअल डॉम में आते हैं। अभी वर्चुअल डॉम क्या होता है क्या नहीं गाइज हम आगे सीखेंगे, वीडियो सीरीज में इन डेप्थ सीखेंगे। ये वर्चुअल डॉम है। अब मान लीजिए आपने यहां एक मेनू ऐड कर दिया सर्विसेस, थिंक यहां आपने क्या किया सर्विसेस नाम का मेनू ऐड कर दिया। कंसिडर आपको ऐड करना है, तो जैसे भी आप सर्विसेस को ऐड कर रहे हो तो ये वर्चुअल डॉम क्या करता है, देखता है कि चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, चेंजेस यहां ही हो रहा है। तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा, जहां चेंजेस हो रहा है सिर्फ इतना ही पोर्शन अपडेट करेगा, याद रखिए सॉरी सिर्फ इतना ही पोर्शन, इतना ही जो पोर्शन है इसे क्या करेगा, इसे अपडेट करेगा, इतने ही पोर्शन को अपडेट करेगा और वापस से एक्चुअल डॉम में इतना ही पोर्शन अपडेट हो जाएगा, पूरा डॉम अपडेट नहीं होगा। इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा पेज रिरेंडर नहीं होगा, इतना ही पोर्शन रिरेंडर होगा जितना हमें अपडेट करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपके एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है ये बढ़ती है। इज इट क्लियर? इसीलिए हमने कहा लाइट वेट वर्चुअल डॉम। इसका मतलब मैं बताता हूँ, लाइट वेट वर्चुअल डॉम का मतलब क्या है। देखिए बेसिकली रिएक्ट यूज अ वर्चुअल डॉम मीन्स व्हेन वी रेंडर एनीथिंग ऑन वेब पेज और एनी एलिमेंट ऑन अ वेब पेज, फर्स्ट इट इज रेंडर्ड इन अ वर्चुअल डॉम एंड देन रेंडर ऑन एक्चुअल डॉम। देखिए व्हेन यूजर परफॉर्म अ चेंज इन अ चेंज ऑन एनी एलिमेंट देन राइट देन नॉट री रेंडर कंप्लीट ब्राउजर डॉम, फर्स्ट परफॉर्म चेंजेस इन अ वर्चुअल डॉम इफ रिक्वायर्ड एंड अपडेट और री रेंडर और रेंडर ओनली पोर्शन और रेंडर ओनली अपडेटेड पोर्शन ऑन वेब पेज, नॉट रेंडर अ कंप्लीट वेब पेज। ये एक रीजन है, इसीलिए हमने कहा लाइट वेट वर्चुअल डॉम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? राइट, मतलब यहां वर्चुअल डॉम की वजह से एक ही होता है। तीसरा फायदा क्या है, कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। अब ये कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है गाइस, कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है मैं बताता हूं। राइट, देखिए बेसिकली जब हम रिएक्ट में कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो सिंगल पेज होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक वेब पेज बनाना है रिएक्ट के अंदर, मैं आपको बताता हूं। यहां मुझे चाहिए नेविगेशन बार, कंसिडर राइट, यहां मुझे चाहिए नेविगेशन बार, यहां मैं ऐसे लिखेंगे होम
अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेस। उसके बाद मान लीजिए मुझे चाहिए फुटर, कंसिडर गाइस दिस इज योर फुटर इज हियर एंड कंसिडर वी हैव हियर एक सेक्शन है दैट इज योर कॉन्टैक्ट। ऐसा हमें बनाना है। तो अगर हम रिएक्ट की बात अगर हम करते हैं तो हम ये दिखने में तो एक ही पेज दिखेगा, बट जब एक्चुअल हम बात करेंगे रिएक्ट की तो हम इसके अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट हेडर का, एक हेडर का रहेगा। एक कंपोनेंट की बात अगर हम करते हैं तो एक कंपोनेंट हमारा फुटर का रहेगा, और एक कंपोनेंट अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा रहेगा कंटेंट का एक कंपोनेंट रहेगा। ऐसे तीन अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे, राइट, और हम यहां उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें फायदा क्या होता है, हमें फायदा ये मिलेगा कि आप इस कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं। बेसिकली कंपोनेंट कुछ ना कुछ फंक्शन होगा या कोई क्लास होगा। अगर आपको लगा कि ये मेनू बार वापस कहीं पे भी यूज कर रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये एक अप्रोच हो सकता है। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है एज इट्स मोस्ट लेवल अ कंपोनेंट इज अ जावास्क्रिप्ट क्लास और फंक्शन। द बेसिक मेन आइडिया याद रखिए, द बेसिक मेन आइडिया बिहाइंड अ कंपोनेंट्स इज अ डेवलपर कैन डिवाइड द लार्ज यूजर इंटरफेस into discrete portion, into a small portions that they can merge to make more complicated user interface। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो complicated user interface है हम छोटे छोटे portion में हमारा user interface divide करेंगे, बाद में जब सबको मर्ज करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेस बनना चाहिए, ये एक है। एंड द अनदर अप्रोच ऑफ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर इज टू रीयूज द सेम यूजर इंटरफेस मल्टीपल टाइम इफ रिक्वायर्ड। आप एक ही यूजर इंटरफेस को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं अगर आपको इसे रीयूज करना हो तो, राइट। ये एक तीसरा बेनिफिट है। दीज आर द मेजर बेनिफिट ऑफ द कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। मतलब लार्ज यूजर इंटरफेस को स्मॉल स्मॉल यूजर इंटरफेस में डिवाइड करना, उसके बाद में उसे मर्ज करना और एक कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेस बनाना, एज वेल एज किसी यूजर इंटरफेस को बार बार रीयूज करना, ये भी एक उसका इंपॉर्टेंट गोल माना जाता है, राइट। उसके बाद में ऐसे कहता है गुड परफॉर्मेंस। मतलब रिएक्ट की एप्लीकेशन की बात अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही हमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हाउ वी कैन से रिएक्ट एप्लीकेशन आर फास्ट एंड रिलायबल, राइट। This performance reliable. The performance of application is better or good, right? Because a React use lightweight virtual DOM and render only part on web page
विच वी अपडेट नॉट रेंडर अ कंप्लीट वेब पेज। इसके बारे में हम बाद में जब हम एक्चुअल कोर्स स्टार्ट करेंगे तब हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी आप इतना ही मान लीजिए। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का पॉइंट माना जाता है इजी डिबगिंग विथ रिएक्टिव टूल्स। Easy debugging with React Dev Tools, right? मतलब React के हमारे पास कुछ development के tools है जिसके जरिए हम React application को easily debug कर सकते हैं। Guys, मैं जब आपको actually practically React JS पढ़ाऊंगा तब इन detail में बताऊंगा Dev Tools क्या है क्या नहीं, but फिलहाल एक question हमें satisfy करना है इसीलिए मैं आपको theoretically बताता हूँ। देखिए React developers Tools is a browser extension that help you debug React application with React DevTools, right? With React DevTools, you can inspect React components. React components inside web applications to identify performance issue while running development build। मतलब देखिए इसका फायदा हमें क्या होता है कि जब भी आपका प्रोजेक्ट लाइव होगा तो आप React कंपोनेंट को डायरेक्ट इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे देखिए गाइस, जब हम जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और हमें कोई एरर देखना हो, हम इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके देखते हैं, यस और नॉट। वैसे ही आप यहाँ पे React एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं रन टाइम में, एक फायदा है। और दूसरा एक लास्ट में बेनिफिट है एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट का मीनिंग ये होता है, देखिए कि जैसे कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब कि अगर आप रिएक्ट के लिए कोई भी ऑनलाइन सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो आपको इजीली सपोर्ट मिल जाता है ऑनलाइन में, इसे कहते हैं एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट्स, राइट? ऐसे कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट रीजन व्हाई रिएक्ट सच अ फेवरेबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी JavaScript library for building web applications. It is building web is its active community. आप ये भी बोल सकते हैं, मतलब इसकी ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत एक्टिव है, एक्टिव कम्युनिटी। React initially release, right? Date was the 29th May 2013. Since its release, it has a massive developer adoption and the community had grown massively. मतलब इसका ये हुआ ना कि आपको अगर कोई भी चीज का ऑनलाइन सपोर्ट अगर चाहिए तो आपको इजीली मिलता है, राइट? या ऑनलाइन इसकी एक्टिव कम्युनिटी बहुत है जो आपको रिएक्ट के किसी भी ऑनलाइन के किसी भी प्रॉब्लम को ऑनलाइन सॉल्यूशन मिलता है। दीज आर द सम रीजंस, दैट इज अ मेजर रीजन यू कैन लर्न रिएक्ट जेएस, राइट? सो गाइज, अभी हमें ये देखना है कि प्रीरिक्विजिट नॉलेज Prerequisite knowledge for learn React. Knowledge for learn React. React पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए।